हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी. वेलकम. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए. मुझे फॉलो कीजिए मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल फूड्स फन और फैक्ट्स पर, और साथ ही फॉलो कीजिए IGTV, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक पर भी, ताकि आपको मिल सके मेरे हर वीडियो की अपडेट्स. और आज हम बात करेंगे लीब्रा लव रीडिंग के लिए. और अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस, जिस भी तरह से अपने आप को लीब्रा राशि का समझते हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपसे रेजोनेट करे. अगर ये आपको रेजोनेट करती है तो वेल एंड गुड, अगर ये आपको रेजोनेट नहीं करती है तो आप सिंपली इस वीडियो को क्लिक ऑफ कर दीजिए. और जब हम बात करते हैं दो लोगों की, यू वर्सेस देम, तो एनर्जी स्वाइप कर सकती है. शायद आप एक एनर्जी में हो सकते हैं और आपका पर्सन दूसरी एनर्जी में हो सकता है. मैं यहाँ पर वन पर्सन और द अदर पर्सन इस तरह से कहकर इसको डिनोट करूँगी. आप जिस एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हैं उसे आप अपनी एनर्जी मान लीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. लीब्रा आप लोगों के लिए, जिन भी लोगों के साथ आप लव कनेक्शन में हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप उनके साथ में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं या डील करना चाहते हैं, लेट्स चेक. तो यहाँ पर हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक पर मेरे पास कार्ड आया है, फ्रेंडशिप कार्ड आया है. और एक साइड पर जहाँ तक मुझे लगता है शायद लीब्रा ये आपकी साइड है और ये वाली साइड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की साइड है. तो आपकी साइड पर मेरे पास कार्ड आए हैं सक्सेस एंड प्राइड के कार्ड आए हैं और आपके पार्टनर की साइड पर एम्पैथी और पर्पस कार्ड आए हैं. फ्रेंडशिप कार्ड से शुरुआत करते हैं रीडिंग की. मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लिखा है आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न. आई थिंक आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों का मिलने की वजह थी, कुछ ना कुछ पर्पस था आप दोनों के मिलने का, ऐसा आपको हमेशा लगता रहा होगा. और आप दोनों के बीच का लव कनेक्शन भले ही कैसा भी रहा हो, लेकिन आपके बीच की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप आपके बीच में हमेशा रही है. और जो मुझे इस फिगर से दिख रहा है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में आप लोगों का यूनियन होता है, फिर आप अलग हो जाते हैं, फिर आपका यूनियन होता है, फिर आप अलग हो जाते हैं, फिर आपका यूनियन होता है, फिर आप, इस तरह का फिगर भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है. तो मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में आप बार बार मिलते हैं और सेपरेट होते हैं, मिलते हैं और सेपरेट होते हैं. लेकिन हर बार जब आप मिलने के बाद सेपरेट होने के बाद जब अगली बार मिलते हैं तो आपका प्यार, आपका जो फ्रेंडशिप या आपका एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, जो अपनापन है, वो और अधिक बढ़ चुका होता है. यानी समय के साथ में ये रिलेशनशिप या ये प्यार और ज़्यादा आपको इफेक्ट करते जा रहा है और ज़्यादा आप इसके अंदर आई कैन से डाइव डीप, यू आर डाइविंग डीप इन टू दिस लव. जैसे जैसे ये समय बीतता जा रहा है आपके बीच का ये कनेक्शन और फ्लावरिंग, इसमें और ब्लॉसमिंग हो रही है, इसमें और ग्रोथ होती जा रही है, ऐसा मुझे फील होता है. और यहाँ पर सक्सेस और प्राइड का कार्ड शायद आपकी साइड पर है, एक पर्सन की साइड पर सक्सेस और प्राइड का कार्ड है. तो मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्राइड यानी ईगो फैक्टर इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है. आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन. एंड सक्सेस कार्ड पर लिखा है आई नो दैट देर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव. आई थिंक आप शायद लीब्रा, आप इस लव रिलेशनशिप में आप सक्सेस चाहते हो, किसी न किसी तरीके से आप चाहते हो ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो. लेकिन या तो आप ईगो में ऑपरेट करते हो या आपका पार्टनर का ईगो इतना बड़ा है कि आप चाहकर भी उनके साथ में किसी सक्सेसफुल रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हो. और आपके पार्टनर की साइड पर यानी दूसरे पर्सन की साइड पर हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो. यहाँ पर कार्ड है एम्पैथी और पर्पस का कार्ड है. तो आई थिंक आपके पार्टनर भी काफ़ी इमोशनल है, एम्पैथिक है, यानी एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है. और आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन. आपके पर्सन भी आपको समझने की, इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि उनके अंदर, अगर यहाँ पर प्राइड कार्ड आया है तो शायद या तो आप में प्राइड है या फिर आपको जितना उनमें फील होता है एक्चुअली उनमें उतना प्राइड है नहीं. और वो भी काफ़ी एम्पैथिक है, काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है और वो भी सिचुएशंस को हर तरीके से देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं. और पर्पस कार्ड भी है यहाँ पर मेरे पास, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू. आई थिंक आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी उनका एक गोल है लाइफ में, उनका एक एम है लाइफ में जो उनको हासिल करना है और वो अपने उस पर्पस को हासिल करने की दिशा में बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में, अपने करियर हो सकता है उनका या उनकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, उसमें एक बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में वो आगे बढ़ रहे हैं. तो ये इस वक्त की आपकी एनर्जीज है. और जहाँ तक मुझे लगता है आप दोनों के बीच में
लव कनेक्शन कैसा है ये तो हम अभी बाद में देखेंगे कार्ड से, लेकिन फ्रेंडशिप का कनेक्शन तो आपके बीच में जरूर सही, एक पक्का फ्रेंडशिप बॉन्ड तो आपके बीच में है ही। और चाहे आप दोनों इस वक्त में ईगो की वजह से हो सकता है सेपरेटेड भी हों और इस रिलेशनशिप में आप अलग भी हों, लेकिन इस रिलेशनशिप में आपका पर्सन भी एक बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी रखता है, एक सॉफ्ट एनर्जी रखता है आपके प्रति, और आप भी अपने पर्सन के प्रति एक पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं। इस रिलेशनशिप को अच्छी दिशा में ले जाने की दिशा में, अच्छी तरह से डेवलप करने की दिशा में आप दोनों ही चाहते हैं। शायद आपके पर्सन का पर्पस, आपका पर्सन भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये रिलेशनशिप पर्पसफुल फील हो, इस रिलेशनशिप का कोई उद्देश्य है, ये रिलेशनशिप आप दोनों की ज़िंदगी में किसी उद्देश्य की वजह से आई है, ये आपके व्यक्ति भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आई थिंक आप भी ये शायद जानते हैं या ये समझते हैं कि ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मायना रखती है, इसलिए आप भी इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके बाद में हमारे पास में, हालांकि मैंने कार्ड्स इतने सारे नहीं मांगे थे, लेकिन कार्ड्स बहुत सारे एक साथ जंप आउट हो गए, तो मुझे इनको, मैंने यहाँ पर इनको लगाया है। ऑल दैट ग्लिटर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। आई थिंक सिचुएशंस जो बाहर से नज़र आती है वो वैसी एक्चुअल में है नहीं, शायद आप अपने पर्सन के प्रति जो बाहरी तौर पर आपको जो नज़र आता है, एक्चुअल में उनके अंदर कुछ और चल रहा है जो शायद आपको नहीं पता है, और शायद आपके अंदर भी आपकी जो इंटरनल बातें हैं या आपके जो इंटरनल पर्सनल लाइफ है या पर्सनल आप एज अ पर्सन, आप इंटरनली आप कैसे हो, शायद आपके पर्सन भी नहीं जानते। आप दोनों एक दूसरे को अभी तक सतही तौर पर, इसीलिए फ्रेंडशिप का कार्ड भी हमारे पास आया है, आप दोनों अभी तक एक दूसरे को केवल सतही तौर पर जानते हो, एक दूसरे को रियल सेल्फ के साथ में अभी तक आपका जान पहचान नहीं हुई है। और आपकी साइड पर यहाँ पर 6 कार्ड्स आए हैं मेरे पास में, को क्रिएट, हैप्पी हैप्पी, वाई, टाइम टू गो, नॉट फॉर यू एंड गो टू डिस्टेंस। तो आप अपने पर्सन के साथ में एक हैप्पी एनवायरनमेंट, एक हैप्पी एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं, और को क्रिएशन मतलब आपके पर्सन भी आपके साथ में एक हैप्पी एनर्जी को क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं व्हाई एंड टाइम टू गो नॉट फॉर यू गो टू द डिस्टेंस। आई थिंक बार बार आप लोग, आपके मन में शायद ये ख्याल आ जाता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं बना है और आपको इस रिलेशनशिप से दूर हट जाना चाहिए, या फिर आपके व्यक्ति के मन में ये बार बार ख्याल आता है कि ये रिलेशनशिप आगे वर्कआउट नहीं करेगा और इसलिए वो शायद आपकी जिंदगी से बार बार चले जाते हैं या आप उनकी जिंदगी से बार बार चले जाते हैं। और आई थिंक आप दोनों को इसका सही कारण भी नहीं पता, वाई कार्ड है, आप दोनों को एक्चुअल में एग्जैक्टली नहीं पता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद द अदर पर्सन, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी रखते नहीं है। एंड नॉट फॉर यू एंड गो टू द डिस्टेंस, शायद आप डबल माइंडेड है लीब्रा, कुछ समय कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं बनी है, ये आपके लिए काम नहीं करेगी और आपको इसमें से निकल जाना चाहिए, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि गो टू द डिस्टेंस यानी आप इस रिलेशनशिप में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, बहुत दूर तक जाना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप आपको खुशी देता है, ये रिलेशनशिप आपको सक्सेस यानी कि एक हैप्पी एनर्जी में रखता है, पर पता नहीं क्यों आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल जिनके जवाब आपको पता नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, और इसलिए शायद आप इस रिलेशनशिप में इन आउट वाला ये रिलेशनशिप रहता है, शायद आप आते हो और फिर आप चले जाते हो, और इसका सवाल का सही जवाब आपको नहीं पता है कि आप ऐसा क्यों करते हो, और शायद आपके पर्सन भी ऐसा करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, और इसका क्या सही जवाब है ये शायद आपको ही पता है। एंड ऑल दैट ग्लिटर्स का मतलब है कि शायद जो कुछ आपको पता है वो केवल सतही जानकारी है, एक्चुअल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, एक्चुअल उनको क्या चाहते हैं, या एक्चुअली वो किस तरह का, इस तरह का बिहेव क्यों करते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, और आपके बिहेवियर के बारे में भी आपके पर्सन को पूरी जानकारी नहीं है। और आपके पर्सन के साइड पर भी मेरे पास 6 कार्ड्स हैं, रीजनरेशन, बिल्डिंग ब्लॉक्स, चॉप वुड, हियर एंड नाउ, इमेजिन एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स कार्ड है। आपके पर्सन किसी न किसी तरह के बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में किसी एक बड़े बदलाव के फेज से गुजर रहे हैं, वो अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपनी ज़िंदगी में कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से जो अननेसेसरी नेगेटिव एनर्जीज थी उनको हटा कर, या अपने पास्ट से बाहर निकल कर वो प्रेजेंट में, वर्तमान
वर्तमान में जीने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्स के साथ में कहीं ना कहीं यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इस वक्त में आप शायद जानना चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में क्यों नहीं है, या वो आपकी लाइफ में को क्रिएट क्यों नहीं करना चाहते, आपके साथ बने क्यों नहीं रहना चाहते। तो शायद इसकी वजह यह है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव के फेस, एक चेंजिंग फेस से गुजर रहे हैं और उनके माइंड में, उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो कि इस वक्त आपसे छुपा हुआ है, और वो इस वक्त यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ में, हायर कॉन्शियसनेस के साथ में मिलकर अपने लिए कुछ नया निर्माण करने की दिशा में चल रहे हैं और ये बात आपसे छुपी हुई है। और उसके बाद में हमारे पास, मैंने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस एनर्जी, इस एनर्जी का फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। तो बॉटम ऑफ द डेक पर द आईज ऑफ ब्यूटी, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, क्लैरिटी, द आईज ऑफ ब्यूटी। आप दोनों ही एक दूसरे को एडमायर करते हो, आप एक दूसरे के सीक्रेट एडमायरर हो, आप दोनों ही एक दूसरे को शायद पूरी तरह से ये बात बताते नहीं हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, लेकिन सच ये है कि आप दोनों ही सीक्रेटली एक दूसरे के और देखते रहते हो, एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते रहते हो, आपकी आईज आपके पर्सन की ब्यूटी पर और आपके पर्सन की आईज आप पर टिकी हुई रहती हैं। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में, आई थिंक यू बोथ छुप कर विंडो से देखने वाला एक कार्ड आप देख रहे हैं। इसमें एक लेडी है, वो छुप कर विंडो से देख रही है, जिसके यहां पर वो अरेबियन वेल भी लगा हुआ है। तो आई थिंक ये जिस पर्सन से आप बातचीत कर, या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, ये आपको एडमायर करते हैं, ये आपको प्यार करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से खुलकर आपको नहीं बताते हैं। या शायद आप भी ऐसा ही करते हैं कि आप भी उनको देखते हैं, आप उन पर नज़र रखते हैं, लेकिन आप खुलकर अपने दिल का हाल उनको बयान नहीं करते हैं। और हालांकि आप दोनों ही पॉजिटिव हैं, एक दूसरे के प्रति आप दोनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन क्लैरिटी का अभाव है। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या चाहते हैं आप क्लियर नहीं है, और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं आपको भी क्लियर नहीं है। और इस क्लैरिटी के अभाव की वजह से आप दोनों खींचे खींचे छुपे छुपे रहते हैं एक दूसरे से। इस वक्त आपकी एनर्जी, और आपकी साइड पर यहाँ पर कार्ड आया द वर्ल्ड लॉर्ड, कम्युनिकेशन, प्रेज, डिसऑनेस्टी का कार्ड आया है। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहिए। प्रेज, प्रशंसा का भी कार्ड है। जो कुछ आप उनके बारे में सच में सोचते हैं, दिल में सोचते हैं, आप उनके, ऑब्वियसली यहाँ पर नज़र आ रहा है आप उनके सीक्रेट एडमायरर हैं, आप उनको एडमायर करते हैं, आप उनकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं। तो कम्युनिकेट कीजिए, अपनी ट्रू फीलिंग्स को कम्युनिकेट कीजिए। जो बातें आप अंदर ही अंदर कई बार शायद उनसे कह चुके होंगे, लेकिन अब तक आपने सामने जाकर उनको जो बात नहीं बताई है, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप उनको खुलकर कम्युनिकेट कीजिए, अपने दिल की बात बताइए। और अगर आप बोलकर नहीं बता पा रहे हैं तो आप लिखकर बताइए, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप उनको बताइए, पर आप कम्युनिकेट कीजिए उनके साथ में। एंड उसके साथ लिखा हुआ है प्रेज, डिसऑनेस्टी। तो आई थिंक इस रिलेशनशिप में आपको अपने पर्सन को ज़्यादा, प्रेज का मतलब है ज़्यादा कंसंट्रेट करना, ज़्यादा ध्यान देना। आपको इस रिलेशनशिप पर, इस व्यक्ति पर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। और डिसऑनेस्टी कार्ड भी, अगर आप इस व्यक्ति के साथ में किसी भी तरीके की बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं या डिसऑनेस्ट बिहेव करते हैं, तो आपको यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है। इट इज़ काइंड ऑफ अ वार्निंग साइन। तो आपको इसकी सावधानी रखनी चाहिए कि इस व्यक्ति से डील करते हुए डिसऑनेस्ट बिहेवियर आप ना करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर नोट कर पा रही हूँ, यहाँ पर ऑल दैट ग्लिटर्स कार्ड 16 नंबर का कार्ड है, 1+6=7, हियर अगेन 25 नंबर का कार्ड है, 2+5=7, यहाँ पर 43 नंबर का कार्ड है, 4+3=7, 7-7-7। आप और ये व्यक्ति एक बहुत जबरदस्त स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, सोल कनेक्शन में हो। इट इज़ अ प्रूफ दैट यू आर इन अ सोल कनेक्शन विद दिस पर्सन। और आपके व्यक्ति की तरफ कार्ड आया द स्वान क्वीन कार्ड आया है, तो बहुत ब्यूटीफुल ये कार्ड है। ये लेडी या जेंट्स जो भी ये हों, ये बहुत दिल के, दिमाग से बहुत प्योर हैं। क्वीनली एनर्जी इनकी, क्वीन टाइप इनकी एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर भी लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर भी लिखा है। इंट्यूशन वो मैंने आपको कहा भी था, यहाँ पर इंट्यूशन मैंने आपसे कहा था। तो आपके व्यक्ति ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उनमें कुछ बदलाव आ रहा है, वो अपनी इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, वो हायर कॉन्शियसनेस के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पेशेंस कार्ड है, इसलिए शायद उनको समय चाहिए और इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखिए, या शायद आपके पर्सन भी पेशेंसली, आप पेशेंटली आपका वेट कर रहे हों कि आप उनकी तरफ
कम्युनिकेशन लेकर आए, वैसा कम्युनिकेशन लेकर आए जैसा वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। और अब उसके बाद में मैसेजेस, आप अपने पर्सन को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैसेजेस के लिए कार्ड है ट्विन फ्लेम कार्ड और सोलमेट कार्ड, दोनों एक साथ निकल आए, माय बिलव्ड कार्ड एंड द एम्ब्रेस कार्ड। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस आर हियर। यहाँ एम्ब्रेस कार्ड पर लिखा हुआ है थ्रो ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेज। मैंने आपको कहा था ना ये बहुत डीप सोल कनेक्शन है, आप दोनों ही एक दूसरे के मिसिंग पीसेज हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील करते हैं और ये बात आप अपने पर्सन को शायद बताना चाहते हैं। माय बिलव्ड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। सी व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। आप अपने पर्सन को माय बिलव्ड, आई थिंक आप उनको बहुत बहुत ज़्यादा डीप लव करते हो, लेकिन ये चीज़ें आपने अभी तक शायद इस लैंग्वेज का आपने अभी तक यूज़ नहीं किया, माय बिलव्ड। इसमें लिखा है कि शायद हम चाहे हम फिजिकली अपार्ट हों लेकिन हम स्पिरिचुअली हमेशा यूनाइट हैं, क्योंकि प्यार समय और स्थान और समय को नहीं देखता, नथिंग इज मिसिंग, इसलिए कुछ भी खोया हुआ नहीं है। सोलमेट कार्ड भी हमारे पास में है, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद इन योर विद इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। यस, आपको ये कहा जा रहा है कि आपके सोलमेट हमेशा आपके पास ही हैं, जो कि यहाँ पर भी कहा जा रहा है, तो आप अगर बिलीव करेंगे कि ये लव आपको मिलेगा तो आप इसको फिजिकली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप शायद अपने पर्सन को ये कहना चाहते हैं कि आप उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उनको फिजिकली अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। एंड अगेन ट्विन फ्लेम कार्ड भी मेरे पास में है, योर पैशन इग्नाइट्स। आई थिंक ये व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है और इसकी प्रेजेंस से आपके अंदर ट्विन फ्लेम अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, ये बात आप अपने पर्सन को कहना चाहते हैं। और आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, ट्रस्ट, क्रिटिसाइजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और इफ़ यू कुड डू एनीथिंग वॉट वुड इट बी। आपके पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं अगर आप कुछ कर सकते हैं तो क्या होगा जो आप कर सकते हैं। आई थिंक आप नॉन एक्शन में हैं, आप अपने व्यक्ति के को खुलकर कुछ बताते नहीं या उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते, इसलिए आपके व्यक्ति आपसे पूछना चाहते हैं इफ़ यू कुड डू एनीथिंग वॉट वुड इट बी। अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे। द एंसर dwells इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज द गेट वे टू द सोल। और आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने हार्ट में झांककर देखिए, माइंड में नहीं। यानी आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि लॉजिकली नहीं, प्रैक्टिकली नहीं, इमोशन से, हार्ट से सोच कर देखिए कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पर, तीसरी बार ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आ चुका है। योर रिलेशनशिप विद वन अनादर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। सी मैंने कहा ना, ये आपका जो पर्सन है ना, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर ही रहा है, आपकी रिलेशनशिप भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है और समय के साथ ही और अधिक गहरी होती जाएगी, जो बात मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में ही बता दी थी। क्रिटिसाइजिंग वन अनादर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। आपके व्यक्ति शायद आपको कहना चाहते हैं कि एक दूसरे का क्रिटिसाइज ना किया जाए, क्योंकि एक दूसरे का क्रिटिसाइज करने से केवल अनहैप्पी एनर्जीज क्रिएट होंगी। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। हम एक दूसरे को वैसा ही एक्सेप्ट करें जैसे कि हम हैं, तब ये रिलेशनशिप शायद चेंज हो पाए। और ट्रस्ट कार्ड भी यहाँ पर है, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म, 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 कई बार ये शब्द यहाँ पर आ चुका है। आपके आपके पर्सन जिससे आप कनेक्टेड है, शायद वो आपके ट्विन में फ्लेम हो सकते हैं या आपके सोलमेट हो सकते हैं, एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन फेज से अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं और वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी ट्रांसफॉर्म हो, और वो आपको कहना चाहते हैं कि चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाए, ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में होने दिया जाए, तो ये रिलेशनशिप वैसे डेवलप हो पाएगा जैसे कि आप दोनों इसको डेवलप करना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग हमारे लीब्रा पीपल के लिए। लव लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है, इसमें कुछ नेगेटिव तो नहीं है, पर इसमें अभी तक कुछ डेवलप नहीं हुआ, ऐसा लगता है जैसे कि अभी तक वो स्पार्क नहीं जागा है, अभी तक इसके अंदर वो कमिटमेंट वाला वो वैसा स्पार्क इस रिलेशनशिप में नहीं है। हालांकि इसमें पोटेंशियल पूरा है, लेकिन अभी भी स्पार्क की यहाँ पर कमी है। तो आप दोनों ही अपनी अपनी तरफ से ट्राई कीजिए, कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के साथ ओपन अप होने की कोशिश कीजिए, तो शायद इस रिलेशनशिप में आगे जाकर कुछ अच्छा बन पड़े। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।